चुटकुला आता है ना कि नेहरू जी ने खुद को ही भारत रत्न से सम्मानित कर लिया है उनको चुटकुला। अरे तो ये पूरी मानव प्रजाति ही नेहरू जी है। फिर तो खुद को ही कंसेप्ट बनाना था तो खुद को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति बोल लिया, अपने में माला पहन लिया ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति, और सर्वश्रेष्ठ कृति का कोई गुण नहीं। अरे तुम गधे के सामने कुछ नहीं हो, क्या बात करते हो, गधे से ही तुलना करूं शारीरिक क्षमता का। अब तुम ज्यादा बोझ उठा सकते हो कि गधा ज्यादा बोझ उठा सकता है? तुमसे ज्यादा बोझ गधा उठा सकता है, शारीरिक रूप से वो तुमसे बलशाली होता है, और दिमागी रूप से भी वो तुमसे ज्यादा समझदार होता है। मनुष्य डिप्रेशन में, तनाव में, अवसाद में कितने सारे मनुष्य आत्महत्या कर लेते हैं, मजा ले आज तक एक भी गधे ने आत्महत्या की हो? जी मैं तनाव में आ गया, अवसाद में आ गया, मैं अरे तुम शारीरिक रूप से भी नीच हो गधे से, और मानसिक शक्ति में भी नीच हो गधे से। गधा कहीं ज्यादा शक्तिशाली है शारीरिक और मानसिक रूप से तुमसे। भाई आपकी अपनी जिंदगी का हीरो कौन है? जाहिर सी बात है आप खुद है। जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठ इंसान कौन है, तो मैं हूं। आप बोलना चाहते हो, लिखना जानते हो, बोलना जानते हो, सब कुछ करना जानते हो, तो जब ये प्रश्न आए कि सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कौन, तो मैं हूं, इंसान है। जब भगवान की चित्रों का या भगवान के बारे में कल्पना की गई कि अल्लाह कैसा है, भगवान कैसा है, खुदा कैसा है, गॉड, तो जितने लोगों ने भी चित्र बनाया भगवान का, वो सब मनुष्य के जैसा बनाया। जितने लोगों ने कल्पना की अल्लाह की, सब मनुष्य के रूप में की, कि अल्लाह बोलता है, भगवान के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक नाक है, पहाड़ को भी प्रकट जब हम करते हैं तो पहाड़ देव के रूप में मनुष्य को ही प्रकट करते हैं, नदी के रूप में ही प्रकट करते हैं तो उसमें ही मनुष्य को ही प्रकट करते हैं। जब हम कहते हैं या अल्लाह मेरी पुकार तू सुन रहा है, तो मनुष्य के कान की कल्पना होती है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है तो मनुष्य के आँख की कल्पना होती है। कुल मिला के जो ये ईश्वर अल्लाह का जो कंसेप्ट है, ये बनाया हुआ तो सब मनुष्य का ही है, और जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं मनुष्य ने लिखा है। इसको अलग मानसिकता के लोग सुनना है ना, थोड़ा दार्शनिक बात कह रहा हूँ, थोड़ा ये भी सुन लिया करो, समझ जाया करो, है ना, अपनी बुद्धि इसमें मत लगाना ज्यादा, जो बोल रहा हूँ उस बात को समझ जाना। प्रक्षेप सिद्धांत इसको कहते हैं, प्रोजेक्शन थ्योरी। जब घोड़ा अगर भगवान की फोटो बनाता, उसमें यदि इतनी क्षमता होती तो वो भगवान अपनी तरह बनाता, घोड़ा की तरह। यदि गधा बनाता तो वो भगवान की कल्पना अपने ही तरीके से करता। सांप यदि अल्लाह की कल्पना करता तो वो अपने ही तरीके से करता। आप इस बात को समझ जाइए कि चींटी अगर गॉड को बनाना चाहती और सोचती तो अपने ही तरह बनाती। अब इंसान ने इन सब का निर्माण किया है तो वो इसको अपने ही तरह समझता है। प्रोजेक्शन थ्योरी कहते हैं, प्रक्षेप सिद्धांत, जो हमारे अंदर है हम ही उसको बाहर आरोपित कर देते हैं ईश्वर के रूप में। जी हम ज्ञानी हैं तो कह देते हैं अल्लाह सर्वज्ञ है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। हमारे अंदर गुण है कि हम कुछ चीज़ों को जानते हैं तो हम कह देते हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, अपना थोड़ा सा ज़्यादा उसको रूप कर देते हैं। हमारे पास ये दो हाथ है तो भगवान को बनाना होता है तो उसको चार हाथ बना देते हैं। बनाया तो ये सब इमेजिनेशन मनुष्य की ही है। अब मनुष्य की इमेजिनेशन है, सारे धर्म ग्रंथ उसी ने लिखे हैं, तो मनुष्य क्या करता है कि सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की कौन, अब ईश्वर का कंसेप्ट खुद बनाया ना, अब उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन बताता है, तो कहता है जी मैं खुद हूँ। अरे वारे मूर्ख, अपने मुंह मियां मिट्टू, तू खुद है। अभी सऊदी अरब का एक वीडियो में देख रहा था, कबूतर को दाना डाल रहे हैं और जब सब सारे कबूतर आ गए तो उसके ऊपर जाल फेंक के उनको पकड़ लिया, और तू ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। केवल प्रकृति में इतना अंतर है कि तेरे पास दो स्वतंत्र हाथ है बस, तो उससे तू क्या कर रहा है, वो परिंदे जो कि तुझसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है आचार में, विचार में, व्यवहार में, तूने अपने दो हाथों का प्रयोग करके उनको पकड़ लिया। अभी एक वीडियो आया, कुत्ते के दो पैर को बांध दिया आगे और दो पैर को पीछे, उसको ले जाके फेंक दिए नदी में। ऐसे कई वीडियो आते हैं, एक लड़की बिल्ली के छोटे से बच्चे को कुचल कुचल के मार रहे हैं। तो ये सब तो नीचता के प्राणी के प्रतीक है ना, तो तू सबसे नीच प्राणी मनुष्य, और खुद ही भगवान की कल्पना करके अपने आप को उसको सर्वश्रेष्ठ कृति सिद्ध कर दिया। अरे मूर्ख है तू,
कौन, अगर किसी को बहस करना है कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है, तो मुझसे बहस करके दिखाओ। ये तुम्हारा ही बनाया हुआ कंसेप्ट है, कोई किसी अलौकिक शक्ति का बनाया हुआ कंसेप्ट नहीं है कि ईश्वर की तुम सर्वश्रेष्ठ कृति हो। जितनी गंदगी दुनिया में कर सकते हो, मतलब थोड़ी सी, तुम कोई बुद्धिमान, कोई बहुत समझदार नहीं हो। भूकंप आता है तो तुमसे पहले चींटी को पता चलता है, केचुए को पता चलता है, सांप को पता चलता है। तुम कोई बहुत बुद्धिमान नहीं हो। जब ये लोग सब अंदर पहले चले जाते हैं, अपने सुरक्षित स्थान को पहले देख लेते हैं भूकंप, मनुष्य को जब भूकंप आता है, उनका घर गिर जाता है, तब पता चलता है। कोई मनुष्य में कोई बाबा संत महात्मा बन जाए, पीर फकीर बन जाए जी, वो 10 दिन जमीन में रह लिया बिना हवा के पानी के, अरे मेंढक 8 महीना रहता है यार जमीन के अंदर, तुम क्या तपस्या करोगे? 8 महीना रहता है, सूख जाती है जमीन पूरी, जैसे ही बारिश की बूंद पड़ती है फिर टर 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 करके बाहर आ जाता है। तो तुम बड़े तपस्वी की मेंढक बड़ा तपस्वी, तुम बड़े ज्ञानी की सांप चींटी और केचुए बड़े ज्ञानी कि उनको पहले पता चलता है। मनुष्य ने खुद अपने लिए कल्पना करके अपने आप को बेस्ट बना लिया। अरे बेस्ट होता तो संसार की रचना करता यार, पूरा कूड़ा बना दिया संसार को, मतलब ये पृथ्वी खत्म हो जाए। उसके लिए परमाणु बम किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। कोरोना वायरस कह रहे कि चीन वालों की, भैया बंदूक से क्या लड़े, तो पर मिसाइल से क्या लड़े, अब कोरोना वायरस बना दो, इससे अपने दुश्मनों को खत्म करेंगे। कहते हैं चीन, अब कौन है जी चीन, मनुष्य तो है, मतलब पूरी मनुष्यता को खत्म करने के लिए परमाणु बम, कोरोना वायरस और तमाम तरह की जो बीमारियां भी आप देखते हैं, ये सब लैब में ही तैयार होती है, फिर उसका एंटीडोट तैयार होता है मार्केटिंग करने के लिए। यानी कि तमाम प्राणियों को समाप्त करने वाला मनुष्य है, तो ये अशरफ कैसे हो सकता है जी, ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कैसे? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसने पूरे समुद्र को प्रदूषित कर दिया, समुद्र का जीवन इसने पूरा तबाह कर दिया, जीव जंतुओं को अरबों खरबों की संख्या में लोग निकाल निकाल के खा गए। तुम क्या नहीं खाते? शैतान हो शैतान, सबसे बड़ा वायरस पृथ्वी का मनुष्य है। मनुष्य कुत्ता खाता है, मनुष्य बिल्ली खाता है, मनुष्य चूहा खाता है, मनुष्य केचुआ खाता है, मनुष्य चींटी खाता है, मनुष्य हाथी खाता है, मनुष्य ऑक्टोपस खाता है, मनुष्य शंख खाता है, मनुष्य मछली खाता है, मनुष्य सुअर खाता है, मनुष्य भैंस खाता है, मनुष्य गाय खाता है, मनुष्य छिपकली खाता है, मनुष्य सांप खाता है, संसार का एक प्रदीमा खाता है, झिंगुर खाता है, तिलचट्टा खाता है, मनुष्य एक प्राणी का नाम तुम मुझे से, व्हेल मछली खाता है, एक प्राणी का ऐसा नाम बताओ जिसको मनुष्य नहीं खाता। मनुष्य सबको खा जाता है, तो सबसे बड़ा दरिंदा है ये, कोई बड़ा वो थोड़ी है, ज्ञानी थोड़ी है, मनुष्य तो सबसे बड़ा दरिंदा है। आप क्या बात करते हैं, खुद ही को, मतलब वो चुटकुला आता है ना कि नेहरू जी ने खुद को ही भारत रत्न से सम्मानित कर लिया है, उनको चुटकुला। अरे तो ये पूरी मानव प्रजाति ही नेहरू जी है। फिर तो खुद कोई कंसेप्ट बनाना था तो खुद को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति बोल लिया, अपने ही में माला पहन लिया ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति, और सर्वश्रेष्ठ कृति का कोई गुण नहीं। शेर भी खाता है जीवों को, एक जीव को खाता है, पेट भर जाता है, ठीक है चला जी, और उसका आचरण निश्चित है। शेर आ रहा है यानी खाएगा, पता है, भागो। बकरी आ रही है यानी कि नहीं खाएगी, वो पत्ता खाएगी, ये भी पता है। बकरी का आचरण निश्चित, शेर का आचरण निश्चित। मनुष्य आ रहा है तो अब ये प्यासे को पानी पिलाएगा कि चाकू मारकर उसका पर्स ले जाएगा, मनुष्य आ रहा है तो ये निश्चित नहीं होता। जिसका व्यवहार ही अनिश्चित है वो कैसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो सकता है जी? एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होकर किसी का माथा पड़ा हुआ है, दूसरा कोई मनुष्य आ रहा है, अब पता नहीं वो जो दूसरा आ रहा है इसकी जेब से पर्स घड़ी और इसका सामान लेके भागेगा कि उसको अस्पताल लेके जाएगा, कुछ भी निश्चित नहीं है मनुष्य का। ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ, शेर का निश्चित है, बकरी का निश्चित है, गाय का निश्चित है, मनुष्य का निश्चित नहीं है। तो मनुष्य तो घटिया प्राणी हुआ ना जी, मनुष्य काय का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हुआ है, और ईश्वर का कंसेप्ट भी बनाया तो अपने ही हाथ पैर आंख नाक का आरोपित कर दिए जी। अब आइए हम सनातन और सामी धर्म की थोड़ा सा तुलना करते हैं। देखिए सामी धर्म में क्या हुआ है, जो ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी हैं, इनमें जो आदम और हव्वा की कथा आई,
तो इसमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया गया और बाकी सब प्राणी जितने भी और वनस्पति जगत है उसमें ये बताया गया कि ये सब मनुष्य की सेवा के लिए है, मनुष्य के आराम के लिए है, मनुष्य के उपभोग के लिए। तो इस विचारधारा का परिणाम क्या हुआ कि बाकी समस्त जीव जंतुओं को क्या समझ लिया गया कि मनुष्य श्रेष्ठ है और बाकी जीव जंतु इसके उपभोग के लिए है, तो ये सबको खा खा के खत्म कर दिए जी। प्रकृति का दोहन किया, वृक्षों का दोहन किया, शोषण किया, दोहन करना अच्छी बात है, शोषण किया, सबको खा खा के खत्म कर दिया, उल जल उल तर्क दे देकर। बकरा पत्ता खाता है, बकरा पत्ता खा लेगा तो वनस्पति खत्म हो जाएगी, तो हम बकरे को खा लेते हैं, गाय बूढ़ी हो गई, भैंस बूढ़ी हो गई जी, तू भी बूढ़ा हो गया, तेरे माँ बाप भी बूढ़े हो गए, तू भी, तो उनको भी काट के खा लेना यार, उल जल उल तर्क क्यों देते हो। सनातन धर्म में, अभी सनातन धर्म ही भी सब बिगड़ गए हैं, सनातन धर्म में जबकि ये कंसेप्ट रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी के केंद्र में सह अस्तित्व के केंद्र का एक भाग मनुष्य है। सामी धर्म का यह कंसेप्ट रहा कि संपूर्ण जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, और सनातन धर्म में यह कंसेप्ट रहा कि मनुष्य इस सह अस्तित्व की एक कड़ी है। जितना महत्व हाथी का है, शेर का है, भालू का है, बंदर का है, केचुए का है, उतना ही महत्व मनुष्य का है, यानी सबका सह अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सनातन धर्म में चींटी को भी मीठा खिलाने की परंपरा आई, कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा आई, गाय को रोटी खिलाने की परंपरा आई, सांप को दूध पिलाने की परंपरा आई, पेड़ को पूजने की परंपरा आई, नदियों को पूजा करने की परंपरा आई, पहाड़ों को परिक्रमा करने की परंपरा आई, क्योंकि इसमें माना गया कि मनुष्य इनके साथ ही सुरक्षित है, वो इस कड़ी का एक अंग है। केचवे का जितना महत्व उतना मनुष्य का भी महत्व, तो उससे बाकी सब भी सुरक्षित रहते थे। लेकिन सनातन धर्म वाले भी बहुत सारे सब पदभ्रष्ट हो गए, तो उन्होंने भी क्या सोच लिया आजकल कि हम ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है जी, तो वो भी सब यही हरकतों में सामी धर्म वालों से सीख के अपना यही हरकतें करने लगे। भैया ओम देव शांति ही, अंतरिक्ष ओम शांति ही, पृथ्वी शांति ही, रापा शांति ही, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। मूल मंत्र तो यही है सनातन का, पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का, कि जल सुरक्षित रहे, वनस्पति सुरक्षित रहे, पृथ्वी सुरक्षित रहे, ये सारे भी देव और सारे गण और मनुष्य और प्राणी जगत तो सब सुरक्षित रहे, सर्वम शांति, सब सब सुरक्षित व्यवस्थित रहे। कंसेप्ट तो यही था, तो भैया अपने इस मूल कंसेप्ट को पहचानो ना और उससे चलो। और तुम तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति वाली कहीं से भी हरकत करते ही नहीं हो, तो ये सनातन धर्म की जो बात है थोड़ा सा उसको अपने अपने मूल को समझो, पृथ्वी को और जीव जंतुओं को, उससे तुम श्रेष्ठ नहीं हो, उससे नीचे ही हो, उससे घटिया ही हो। तुम्हारी सारी हरकतें बता रही हैं जिस तरीके से पृथ्वी का विनाश कर रहे हो तुम लोग, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ, भगो बड़े आ गए अशरफुल मखलूकात बन के, पूरा आतंकवाद फैला के रखे, मार रहे हो मासूम बच्चों को, औरतों को, जितनी नीच हरकत कर सकते हो सब कर रहे हो, अशरफुल मखलूकात। अब मनुष्य आ रहा है, दाना डाला उसने कबूतर को, चिड़िया को, या रोटी डाला उसने गाय को, बंदर को, कुछ फल खिला, अब वो आ रहा है खिलाने के लिए, लेकिन व्यवहार उसका निश्चित नहीं है कि वो दाना वो रोटी वो करुणावश खिला रहा है कि वो उनको पकड़ने के लिए खिला रहा है कि इनको ऐसे दाना डाल के बुलाऊंगा, पकड़ के उन्हीं को खा जाऊंगा, ये करुणावश उनको खिला रहा है कि उनको पकड़ के खाने के लिए खिला रहा है। मनुष्य का व्यवहार बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, तो ये शैतान हुआ, ये काय का सर्वश्रेष्ठ।